जो सी मुर्गी को मैंने पारे बिठाया था ना, उसके बेबीज को, और उसको मैंने बाहर निकाला है। बेबी डक्स के तो टप में नहा रहे हैं, देखे कितने मजे कर रहे हैं पानी के अंदर, और दूसरे चूजे बाहर घूम रहे हैं मजे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर सिद्धू, और आज ठंडू से हमारी मुर्गी ने बेबीज निकाल लिए थे, और बाकी तीन रह गए थे, और बाकी जो से थे वो ख़राब हो गए थे, और तीन अंडे मैंने मुर्गी के साथ ही रख दिए थे। तो मुर्गी ने देखे इनकी क्या हालत की हुई है, ऊपर से ठूंगे फोड़ फोड़ के ना छिलके उतारे हुए हैं, अंदर बेबी भी बने हुए थे, ऊपर बैठती ना तो इसे बेबी निकाल देने थे, ये देखे ये भी ख़राब कर दिया हुआ है। अंदर देखे बेबी भी बने हुए थे, ऊपर नहीं थी बैठ रही, ये देखे इसके अंदर सही बेबी नज़र आ रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया था, ऊपर नहीं थी बैठ रही। ये देखें जी, तीनों के तीनों अंडों के अंदर बेबी मर चुके हैं, अब ऊपर ही नहीं थी बैठ रही, इनके ऊपर क्यों नहीं थी बैठ रही हैं? ये जौन से अंडे हैं, इनके अंदर भी तुम्हारे बेबी हैं, देखें आगे से मार रही है इनको। अब्बू जी भी आ गए हैं, तो अब्बू जी को भी बता देते हैं। अब्बू जी ये देखें, बेबी मुर्गी ने मार दी है अंदर, तोड़े ना एक को। अहमद भी आ गया, मुझे शक पड़ रहा कि जिंदा ही होगा अंदर से, बाकी तो सही खेल रहे हैं पानी के अंदर मजे कर रहे हैं। हाँ जी अबू जी, हाँ जी ऊपर बैठती थी ना मुर्गी, तो फिर बच्चे निकल आने थे अंदर से, कोई खाने वाली चीज नहीं है, वादे लगा रही हो। ये देखे जी बच्चा बना हुआ था, पर ऊपर नहीं थी बैठ रही, पूरा बच्चा बन गया हुआ था, पूरे बेबी बन गए हुए थे अंदर अंडू के अंदर। अबू जी कह रहे हैं कि तीन चार दिन और बैठती ना तो बच्चे निकल आने थे, मगर उसको दूसरी की पड़ी हुई थी, दूसरे बेबीज की, ऊपर ही नहीं थी बैठ रही। अरमान ने मंकी के पास मैंगो का गिटक फेंकी है, वो पकड़ के खाने लग पड़ी है। किधर है वो? ये भी सबसे प्यारा ब्लैक वाला, देखें मर गए हैं ऊपर। अम्मी जी ये ऊपर नहीं थी बैठ रही मुर्गी, तो सारे मर गए हैं। वो ऐसे नहीं मरे, चांदनी मार जाती है इससे। कौन सी चांदनी? चांदनी जब रिस्क पाती है ना। हाँ जी, जब मर जाते हैं। डक्स के बेबीज जो से मर गए थे उनको मैंने इधर दफना दिया, तो अभी हम अंदर रखते हैं और आपको एक और चीज दिखाते हैं। ये है जी वो चीज जो सी आपको मैंने दिखानी थी, रैबिट्स के बेबी तो बड़े बड़े हो गए थे ना, लेटे हुए हैं, तो ये एक और निकला बेबी, देखे कितना छोटा सा, इसकी अभी आंखें भी नहीं खुली हुई, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, इसकी आंखें भी नहीं खुली हुई, तो खाई जा रहा है, कितना प्यारा वाइट कलर का, सबसे छोटा रैबिट है ये वाला, हाथ पैर भी कितने छोटे हैं, कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा अरमान की तरह और अहमद की तरह छोटा सा बेबी है। पाइप के अंदर सीधा जाई जा रहा है, ये बाहर बैठे इनको भी भेजते हैं ना अंदर, जाओ जाओ। वो भाग गए हैं, आगे तक चले गए हैं। अभी आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि हमारे कबूतर ने जो नहीं आज ही बच्चे निकाले हैं सुबह सुबह ही। ये वाला जो सा कबूतर है इसने बेबीज निकाले हुए हैं, उठो ना जरा दिखाओ तो सही है, मैं ये देखें जी माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। अरमान देख लो, अरमान ऊपर हो के देख रहे क्योंकि ऊपर है ना, अहमद तुम भी देख लो, देखे कितने प्यारे हैं, ये वाले कबूतर ने निकाले हैं, और दूसरे ये देखे कितने कितने बड़े हो गए हैं, इसके नीचे तो अभी अंडे ही हैं, देखते हैं कब तक बच्चे निकालती है, ये इसके अंडे हैं, ना करो छेड़ो उसको अरमान, इसके नीचे अंडे हैं, और किधर गया है, इसके नीचे एक अंडा। अबू जी ड्रेक उतार के लाए रैबिट्स को डालने के लिए, क्योंकि अब स्टाला शुला नहीं ना था, तो ड्रेक भी डाल देते हैं अबू जी, मैं भी डाली थी घास ला के, मगर वो खा गए हैं, तो अभी ड्रेक भी देखे कितने शौक से खा रहे हैं, आ गए हैं सारे बाहर, इसके काम देखें, तुम तो नीचे आओ, तुम्हारे खाने वाली चीज़ यहाँ है, यहाँ डाली थी इसको खा गई है, अब दूसरों की खाने के लिए जा रही है, देखे कितने मजे कर रही है पानी के अंदर, ठंडे ठंडे पानी के अंदर घूम लो घूम लो। जो सी हमें मानो गिफ्ट में मिली थी ना, वो अहमद उठा के लाया और मंकी को दिखा रहा है, मंकी इसको पकड़ रही थी आगे, अहमद पकड़ ले जाओ ना मंकी के पास, पकड़ लो, देखे कैसे पकड़ने लगी थी। अरमान तुम जाओ ना, अहमद तुम्हें क्या कहती है, जाओ ना आगे, जाओ जाओ, कुछ नहीं कहती, मैं इधर ही हूँ, जाओ अरमान तुम भी, अबू जी भी इधर ही है, मैं भी इधर ही, जाओ ना, कुछ नहीं कहती। अरमान डर गया, मैं आ जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं कहती, इधर आओ, देखे ऊपर भाग गई है, इधर आओ,
अहमद को कह रहा हूँ क्या मंकी के पास लेके जाओ, उसका भी चक उतार देते हैं क्योंकि ये डरते हैं ना, इसलिए मंकी आगे से काटिया करती है। उसके पास लेके जाऊंगा ना तो फिर काटिया नहीं करेगी। हैं क्या करती है, क्या करती इधर आओ ना, एक कह रहा काटिया करती है, एक कह रहा धनिया वर्ती है, इधर आओ ना, क्या करती है तो अहमद क्या करती है, हैं अहमद का काटिया करती है और अरमान को दंडिया बढ़ती है, तो आओ ना मैं आपके साथ हूँ, नहीं दंडिया बढ़ती, आओ। अहमद को भी पकड़ लिया, अरमान इधर ही खड़ा है, अरमान को आगे ले गया था तो भाग गया आगे रो के, तो आज नहीं कुछ कहती, मैं साथ ही हूँ ना, आज आज उधर मार पड़ेगी, देखे कैसे देखने लग पड़ी है, कुछ नहीं कहना, ये भी अपने ही है, अरमान अहमद है, देखा डर के भाग गई है, कुछ नहीं कह रही, मैं साथ हूँ ना, मार पड़ेगी। अहमद और अरमान इतना डर रहे थे, मंकी के पास ही नहीं थी आ रहे, तो मंकी देखे मेरी गोद में कैसे बैठी हुई है, मुझे कुछ नहीं कहती, मेरे साथ और अब्बू जी के साथ सही इसका ताल्लुक ताकू जो भी होता ताल्लुक लाना बढ़ गया हुआ है, कुछ नहीं कहती, काड़ी शाड़ी कुछ नहीं करती। अहमद और अरमान को देख के गुस्से में आ जाती है। अब्बू जी ने रैबिट्स को भी दरेक उतार के डाल लिया और कबूतरों को भी दाना डाल दिया, आगे तो मैं ही डालता हूँ, वैसे अब्बू जी ने भी डाल दिया आज, हमारा पतरू भी इधर ही घूम रहा है अंदर ही, पता नहीं इनको भी लगता है गर्मी लग रही है, पता नहीं गर्मी लगती है, ठंडी ठंडा अंदर है ना ये वाला, यहाँ पे आगे बैठे रहते हैं, ज़मीन भी ठंडी है नीचे से, इसलिए यहाँ पे आती हैं। भाग जो उधर अहमद, पतलू को बाहर जाने दो, हमारे कबूतर सारे नीचे दाना खा रहे हैं और किंग कबूतर ऊपर बैठे हुए हैं, इनको भी नीचे उतारते हैं, ये भी दाना पानी खा लें, चलो नीचे, एक तो चला गया नीचे, दूसरा भी आ गया नीचे, खा लो दाना पानी, दाना पानी ना खाया तो फिर ज़िंदगी नहीं रहनी। इधर हमारे रैबिट्स दरेक खाई जा रहे हैं, उठाई जा रहे हैं, आधे ठंडी जगह पे लेटे हुए हैं, आधे दरेक खाई जा रहे हैं। अहमद ने भी मेरे डक्स के बेबीज देख लिए हैं, अहमद प्यारे हैं, हैं मेरे अंडू से निकलवाए हैं, देखिए कितने मजे कर रहे हैं पानी के अंदर, तुमने भी नहाने हैं इनके साथ ही, हैं मैंने तो नहा लिया हुआ है, तुम नहा लो इनके साथ, तुम्हारी भी गर्मी शर्मी दूर हो जाए। हमारे बटेरों के अंडे आगे ख़राब हो गए थे, फिर उन्होंने देखे दो तीन चार, चार अंडे फिर से दे दिए, ऊपर तो बैठते ही नहीं है, ऊपर बैठते नहीं हो तो अंडे दे ही जा रहे हो। अब्बू जी ने बटेरों को भी दाना पानी डाल दिया आगे, वैसे मैं ही डालता हूँ, तो आज अब्बू जी सारा कुछ करी जा रहे हैं। अपनी मंकी को दाने डालने के लिए आया था, आगे हाथ किया तो मंकी मेरी छलांग लगा के ना मेरे ऊपर सिर के ऊपर बैठ गई थी, तो इसके अंदर ही मैंने दाने रख दिए हैं, खुद ही खा लेगी, उठा उठा के खा लो, आगे तो मेरे कंधों पर चढ़ गई थी। ये दो अंडे मुर्गी के नीचे रखे हुए थे, ये दो खराब हो गए थे, मैंने निकाल दिए थे, तो बहुत बदबू आ रही है, इनको बाहर फेंक देते हैं। तो एक अंडा नहीं था टूटा हुआ, इसको तोड़ के देखते हैं बच्चा बना कि नहीं, टूट जाओ गंदा जाए गंदा, चलो अब इसको उठाओ, गंदा डाल दिया इधर गंदा जिया। मैंने अपने मुर्गी के नीचे 15-16 अंडे रखे हुए थे, जिसमें से 8 के बच्चे निकल आए हैं और बाकी खराब हो गए थे, तो देखते हैं जो निकले हैं वो बचते हैं कि नहीं बचते। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा डक्स के बेबीज को बचाने की और मुर्गी के दो जो से दो निकले ना उनको भी बचाने की। तो फिर अपने लोग करते हैं यहाँ पे कमेंट बताना आपको मेरा कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और हमें सिद्धू के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज। अहमद इधर आ जाओ, ताला ना खोल देना क्योंकि कबूतर के पर भी नहीं कटे हुए, कहीं ये ताला खोल दे तो कबूतर उड़ जाए, तो आ जाओ इधर, तो मिलेंगे आपको सुबह नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।